ना हर किसी का होता है, वो होता है बबल फिलिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर पूरा दे लो फिर बबल फिल करो, कुछ बोलते हैं साथ साथ बबल फिल करो। तो उस पे आप लोगों का क्यों व्यू पॉइंट है, क्योंकि हाँ यू गाइज आर डूइंग समथिंग राइट कि आप लोग आ रहे हो बार बार और यहाँ तक पहुंचे हो। मेरा मानना है कि इसमें भी सबके अपने। अच्छा, आप लोगों में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किसका किसका मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। एक नोशन आजकल चलता है बच्चों में, एवरीबडी थिंक्स कि आईआईटी एनआईटी के बच्चे ही सीटें लेके जा रहे हैं, तो जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे दे फील लिटिल बिट लेट डाउन। ठीक है, तो उस पे आप लोगों का क्या टेक है, क्या इज इट ओनली अ प्रिविलेज्ड इंजीनियरिंग सर्विस या सब क्लियर कर सकते हैं? एक आपने बात करी थी अभिषेक कि कुछ बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, कुछ गांव में पढ़ते हैं, क्या ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है प्रिपरेशन को? हाँ वेलकम एस्पिरेंट्स, और मैं कहूँ फ्यूचर ऑफिसर्स, आप लोग अपने इंट्रोडक्शन दे, ठीक है, ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए। आप स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वेलकम। मेरा नाम कुमार अभिषेक है। मैंने 67th बीपीएससी में 484 रैंक लिया है और मुझे ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट। आप बताएं। मेरा नाम नवनीत प्रकाश है, मेरा रैंक 214 मिला है और मैं अभी रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे 67th बीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट हुआ। जी, मेरा नाम विदिशा सिंह है, मेरा सिलेक्शन 67 बीपीएससी में एज आरओ हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर, 549 रैंक है मेरा। ओके, तो मैं वेलकम करती हूँ अभिषेक, नवनीत और विदिशा को। तो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, हमारे व्यूअर्स को भी आप लोग बताएं अपनी जो जो आपकी एक्सपीरियंस रही है और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये बताएं आप लोग के हिसाब से बीपीएससी कितना टफ हो गया है या टफ था? आप स्टार्ट करें। दो पोस्ट में बांट सकते हैं। 66 के पहले बीपीएससी थोड़ा इजी था क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते। 69th का क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं और थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ जाना होगा। मतलब चेंज आया, चेंज आया। आपका क्या मानना है नवनीत? मेरा मानना यह है कि अब जो रटने वाला जो चीज था वो चीजें खत्म हुई है। आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा, जो बेसिक टेक्स्ट है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और अब मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम एक और हुआ है कि जैसे सिलेबस चेंज हुआ है, ये थोड़ा यूपीएससी के थ्रू ओरिएंट हो गया है, तो यूपीएससी के बच्चे इस एग्जाम को देना चाहते हैं। विदिशा, आपका क्या कहना? जी, टफ इन द सेंस कि चेंजेस तो आए हैं, लेकिन टफ से ज्यादा मैं कहूंगी कि ये लेंदी है, सिलेबस बहुत लेंदी है। तो आपको अब मतलब पहले जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते थे तो कुछ क्वेश्चंस वैसे थे प्रोमिनेंट से रिपीट हो रहे थे, तो उसमें चेंजेस आए हैं और आपको रिलेवेंट बना रहना होगा, सिलेबस को बार बार स्टडी करना होगा और उसके हिसाब से काम करना होगा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस आए हैं। इस पर मैं डिटेल में जाऊंगी और भी आप लोगों से बात करूंगी, बट आप लोग ये बताएं मुझे, जैसे पैटर्न चेंज की बात की, हम 69th प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा साइंस से साइंस एंड टेक की तरफ शिफ्ट हुआ है और हिस्ट्री में भी ना पहले के क्वेश्चन ऐसे होते थे, आप लोगों ने इतने दिए कि एक रिपीटेड थीम होता था, बट अब कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो आप लोगों ने भी दिया है 69, तो आप लोग बताएं आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी, क्या अलग थी इस बार, या आप लोग क्या अलग करना चाहते हैं? आप बताएं अभिषेक। जैसे आपने बताया हिस्ट्री में पहले 66 तक कुछ रिपीटेड थीम्स आ रहे, जैसे कुंवर सिंह फिक्स था, शुक्ला जी का क्वेश्चन फिक्स था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो गया। तो हिस्ट्री में भी मेरे हिसाब से अब थोड़ा बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा, या आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो ठीक है, बाकी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं जो पहले से हिस्ट्री नहीं पढ़े। बाकी साइंस से साइंस एंड टेक ये बहुत बड़ा चेंज है और इसको कवर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर से एडिक्ट होना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा या कोई मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, तो ताकि साइंस से साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन आप कवर कर पाए, क्योंकि बीपीएससी में साइंस का बहुत बड़ा रोल है, 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और उसमें से अब 10 साइंस टेक का आ रहा है, तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा। नवनीत, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? बस ये मैं कहना चाहूंगा, बीपीएससी इवॉल्व तो हुआ है लेकिन अभी यूपीएससी के लेवल तक नहीं गया। तो ये एक एडवांटेज है उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी देना चाहते हैं। तो वो अभी क्या करें कि जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग, उसको अगर वो 4-5 बार कर लेंगे तो वो काफी हद तक उनको एक नब्ज पता चल जाएगी कि साइंस एंड टेक कहाँ तक जा सकता है। और दूसरा, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि हम लोगों को जाना पड़ेगा न्यूज पेपर की तरफ, प्रॉब्लम ये है बीपीएससी के कोचिंग में अभी तक ये बात को निग्लेक्ट किया गया कि नहीं पढ़ना न्यूज पेपर, और ये न्यूज पेपर अभी जरूरी है 2-3 और एस्पेक्ट्स में, आपको इससे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो न्यूज पेपर और यूपीएससी का पीवाईक्यू मेरे हिसाब से। तो यानी आपने व्यूअर्स के लिए बड़ी अच्छी चीज बता दी नब्स पकड़ने की। विदिशा, आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, जो बातें हुई है वो इन एडिशन टू दैट मैं एक ही बात फोकस करूंगी कि मल्टीपल सोर्सेज की जरूरत है। आप अगर सोर्सेज अपने मल्टीपल रख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट भी जगह रहेगा और आपको नई चीजें एक जगह से नहीं तो 2-3 जगह से आपको पता होती रहेंगी, तो मुझे लगता है कि ये जो है बेनिफिशियल साबित होगा।
एक और क्वेश्चन हर स्टूडेंट का होता है, एग्जाम एंजाइटी, है ना, जब आप पेपर बैठते हो उस समय की एंजाइटी, ना घर पे कितना ही पेपर देते हो थोड़ी डिफरेंट होती है। आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, कैसे टैकल किया आप लोगों ने इस एंजाइटी को? अभिषेक आप बताओ। जैसे सबके साथ होता है फियर कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उनको याद करो जो आपको हमेशा सपोर्ट करके रखे। घर में कोई एक इंसान जरूर होगा जिसने सपोर्ट किया होगा कि करो, कोई दिक्कत नहीं, इस बार फेल भी हो जाओगे तो नेक्स्ट टाइम कर लेना। तो बस उनकी पॉजिटिव कही गई बातों को ध्यान रखो, बाकी मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत सही से कर रहे हो इस बार नहीं अगले बार होगा ही होगा। नवनीत आप बताओ। तो मेरे साथ क्या था, ये कुछ ज्यादा ही लेवल पे था एंग्जायटी, तो इसको मैंने दो तीन लेवल पे इसको टैकल किया। पहला तो मैंने थोड़ा मेडिटेशन की तरफ मूव किया। इसका मुझे एक और हेल्प मिला एग्जाम में, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब इस जैसे विदेशा जी ने बताया कि पेपर अब ज्यादा लेंदी हो रहा है तो कई क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं, वहां पे आपको बहुत क्विकली सही करना होता था। तो मैं जब मुझे समझ में आता स्ट्रेस बढ़ रहा है तो मैं और खुद को शांत करता था क्योंकि वो सिली मिस्टेक मुझे नहीं करना है। तो सिली मिस्टेक मेरे बहुत कम हुआ, इस एग्जाम में एक भी नहीं हुआ, तो मेडिटेशन मुझे वहां हेल्प किया। दूसरा, मैं डेली रूटीन में मैं अपना जब भी सुबह का शुरू करूंगा तो एक अपने लिए पॉजिटिव कोट लिखूंगा, कुछ भी हो सकता है, यू आर स्मार्टर देन यू थिंक, कुछ भी। उससे मेरे को ये होता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं इस ट्रैक पे हूँ। और तीसरा, उस चीज को एंग्जायटी को कम करने के लिए अपने घर वालों से बात करते रहा। विदिशा आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? जी, एंग्जाइटी जैसा आपने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में स्पेसिफिकली एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, तो उसके लिए एक मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है, प्रोबेबली जैसे आप अगर मैथ या साइंस बैकग्राउंड से, तो आपका साइंस आपको कॉन्फिडेंट है आप, तो आप पेपर वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो वो इन अ वे आपको बूस्ट दे देगा। और एंग्जाइटी और नर्वसनेस नॉर्मल चीजें हैं, ये होनी भी चाहिए, थोड़ा नेसेसरी भी है, रैदर देन ओवर कॉन्फिडेंस, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, वो मोटिवेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। तो अगर मैं समराइज करूं हमारे व्यूअर्स के लिए, तो बड़ी अच्छी बातें करी आपने। आपने बोला याद करो किसी को, आपने बोला मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस, और आपने बोला कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे आपको एक पकड़ होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई। चलिए अब थोड़ा अलग जाते हैं, नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अभिषेक, नोट मेकिंग डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरा है, मैं नोट मेकिंग कम करता था, जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ उसके साइड लाइन्स पे ही मैं लिख दिया करता था अगर मुझे कुछ लिखना हो एक्स्ट्रा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए नोट मेकिंग या मेंस के लिए नोट मेकिंग मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके डेटाज और फैक्ट्स को एक जगह पे रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए मैंने नोट मेकिंग कम किया था। और नवनीत बताएंगे। मेरा थोड़ा अभिषेक से अलग इसमें है, मेरे को नोट मेकिंग ही पसंद है क्योंकि मुझे पता नहीं, ये मैंने कहीं पढ़ा था, जब का ब्रेन होता है वो रॉ डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसी डेटा को एक्सेप्ट करता है जिस एक्सप्रेशन में आप समझ पाते हो, तो इसलिए आप अपने हैंडराइटिंग में जैसा भी नोट्स बनाओ बनाओ। इसके लिए मैं बस एक बताना चाहता हूँ, 67th बीपीएससी में मैंने अपना इकोनॉमिक सर्वे और बजट का 1.5 पेज का नोट बनाया था, उससे डायरेक्टली इंडायरेक्टली 6 क्वेश्चन आ गए। तो वो चीजें अब जरूरी होती है। तो प्रीलिम्स के लिए मेरे नोट्स थे, उसको मैंने बुक्स जो भी थे उनसे जो जो की फैक्ट्स, क्योंकि सारा बुक का सब कुछ काम का नहीं होता, वो मैंने उठाया, एक दो तीन पेज रख दिया। प्रीलिम्स के टाइम में मेरे पास 10 पेज के नोट्स थे और वो मैं मल्टीपल रिवीजन किया था। और मेंस में भी नोट मेकिंग मैंने वैसे ही की थी। इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी सबके पास लगभग डिजिटल एक्सेस है, तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी नोट्स बना सकते हो। और अभी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं किसी भी कोचिंग की या फिर गवर्नमेंट की, उससे उसको उठाइए, अपने डिजिटल नोट्स में डाल दीजिए। एग्जाम के टाइम पर आपको लग रहा है कि लास्ट के 10 दिन बचे हुए या 20 दिन बचे हुए, लास्ट महीने सारा प्रिंट आउट निकालिए, उसको ही सिर्फ पढ़िए, उससे ज्यादा भलाई आप अपने पेपर के लिए कुछ नहीं कर सकते। विदिशा आप बताओ। नोट मेकिंग की बात है तो प्रीलिम्स के लिए तो नोट मेकिंग मैंने भी नहीं की थी, वैसे ही जैसे मैगजीन्स पढ़ते हैं या जो भी बुक पढ़ते हैं उसी के साइड्स में कुछ लिख लेना, तो उस तरीके से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो पोर्शंस आपके हैं, करंट आईआर है या फिर आपके साइंस टेक जो भी पोर्शन है, आपको दो तीन जगह से कलेक्ट करके लिखने होंगे, तो उस पर आपको मेहनत लगेगी और वो करनी भी चाहिए। प्रीलिम्स की बात है तो वो फिर सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। अगर आप नोट्स तभी बनाए जब आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स अगर आपका बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे भी वो आपको बल्की फील हो, आप रिवाइज ना कर पाए, तो फिर वो टाइम का वेस्टेज है मेरे हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से नोट्स देखें, और लास्टली जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी आप सेलेक्ट होंगे तो वही नई स्ट्रैटेजी होगी।
तो की टेक अवे तो यही रहा कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो अगर अब हम नोट पेकिंग की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथों मॉक टेस्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्री और मेन सब में मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस है। आप लोग बताएं कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, आपने कितने दिए, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा एनलाइटन करें आप लोग। चले आप बताएं। जैसे कोई भी बंदा प्रिपेयर कर रहा है अगर बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, तो जब एक बार को वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो उसको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ नहीं लैग कर रहा है। तो उसके लिए मॉक इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैंने 35 प्लस मॉक लगाए होंगे प्रीलिम्स के पहले, और मॉक लगाने के बाद मॉक लगा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं हाँ मैं उसको नोट करता था कि एक जगह हिस्ट्री लिख दिया कॉपी पे, उसके नीचे हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं जितने मॉक्स वो सब एक जगह कलेक्ट कर लिया। तो इससे एक लास्ट में एक ऐसा आ जाता था मेरे पास नोट टाइप का, इनकी ये सब क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं, मेरा वीक एरिया है, तो उसको रिवीजन करने में बाद में आसानी होती थी। तो मॉक देना चाहिए या प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। मेंस में आपको आपका आंसर राइटिंग कैसा है ये कैसे पता चलेगा? सबको लगता है कि उसने सबसे बेस्ट आंसर लिखा, बट कोई सामने वाला देखता है कि हाँ चलो ठीक है कितना मार्क दे रहे हैं आपको, उसके हिसाब से आप खुद को देखिए कि हाँ कितना और रिक्वायर्ड है चेंज करना स्ट्रेटेजी या वापस से कंटेंट में कितना काम कर। नवनीत आप बताइए आपकी क्या इस पर राय है। जो मॉक टेस्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा क्वालिटी मॉक टेस्ट यूज आप प्लीज ट्राई करें। कई मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन होते हैं मोहन जादव कितने किलोमीटर में था, और देखो कौन सा ऐसा कोई भी जो भी कोचिंग हो वो उस कम से कम उस नब्ज को पकड़ पा रहा है, वहां तक पहुंच पा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पहुंच पा रहा है उनका मॉक टेस्ट दो, जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना ही आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो पहला तो ये, दूसरा जैसा अभिषेक ने बताया उसको बस मैं और कॉम्प्लीमेंट करूंगा। मेरे लिए मॉक टेस्ट तब खत्म हुआ जब मैंने उसके नोट्स बना लिए, अपनी मिस्टेक्स देख ली। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है मैंने 150 में 30 क्वेश्चन ही सही किए, मुझे इससे फर्क पड़ता है जो मैंने बाकी 120 गलत किया या छोड़ा उसका कारण क्या था, मुझे उसका जानना जरूरी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए मेरा हमेशा रहा था। मेंस के लिए हाँ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे और दिक्कत हो जाता है। प्रीलिम्स होता को पता है ये गलत हुआ तो 0 नंबर, इसमें आपको 10 में 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। इसके लिए एक इवैल्यूएशन जरूरी है। इसके लिए मैं वही बोलूंगा कोई भी अच्छा आपको लगे कि हाँ यहाँ से इवैल्यूएशन अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे आप हर एक मंदिर मस्जिद दरगाह पे आप अपना प्रथा मारिए, जो भी कोचिंग आपको लग रहा है हो सके तो डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिए, फिर कोई सस्ता सा कोर्स पहले ज्वाइन करके देख लीजिए कि पैसे ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि मेंस में बहुत मेंस के टेस्ट में पैसे खर्च होते हैं, तो आपको हेल्प करेगा और आगे भी। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे अच्छा मौका यही है जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है। विदिशा आप अपने एक्सपीरियंस ऐड करें इसमें। सारी बातें हो गई ऑलरेडी, बस एक बात की जब मेंस का मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत नीडेड है। दूसरी बात ये कि जब हम मॉक देते हैं इवैल्यूएशन होता है तो उसमें कुछ हम दूसरों की कॉपीज को देखते हैं, जनरली ग्रुप्स में शेयर होते हैं, तो हम उससे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आंसर हम किस तरीके से लिख रहे हैं और कोई अदर पर्सन उसको कैसे लिख रहा है। हमें उसे कॉपी नहीं करना है, लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, फॉर्मेट है जो अच्छा लग रहा हो तो वहाँ वो सीखने का बहुत अच्छा जरिया है। यानी मॉक्स कितने देने ये तो क्लियर कर ही दिया आप लोगों ने, साथ में ये बता दिया एनालिसिस भी कैसे करनी है, तो विच इज ग्रेट। आप थोड़ा सीरियस एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछती हूँ। आप बताएं कि पीयर ग्रुप का और सोशल लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है इस एग्जाम को या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, यूपीएससी बीपीएससी को क्लियर करने में? हाँ मेरे लिए तो पीयर ग्रुप ही सक्सेस का वो है। मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 6 लोग हैं, 7 लोग थे उसमें से 2-3 लोग सिलेक्टेड है पहले से। तो इन पीयर ग्रुप्स के होने का फायदा ये है कि किसी दिन मान लो आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन आपने आज फिक्स किया है कि ये टारगेट करना है और सामने से टेक्स्ट आ रहा है कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया टारगेट 12 बजे तक 1 बजे तक, आप ना चाहते हुए भी उस दिन अपना टारगेट कंप्लीट करोगे। ये चीज़ दूसरे के साथ भी हो सकता है, रोटेट कर सकता है, तो ये आपको हेल्प करेगा और हर डायरेक्शन में हेल्प करेगा। जैसे मान लेते हैं मेरा IR अच्छा था, किसी को IR पसंद ही नहीं था, बट मैंने उसको स्टोरी के रूप में बताया तो उसके लिए IR आसान हो गया। तो पीयर ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि कभी अकेले में ऐसे तैयारी नहीं करनी चाहिए, हमेशा दोस्तों के साथ तैयारी करो। हाँ वो दोस्त अच्छे होने चाहिए जो प्रोग्रेसिव सोचे आपका, हाँ बिल्कुल रेजोनेंट होना चाहिए, रेजोनेंस का होना चाहिए उनका और आपका। इसमें मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है। पहला मेरा है कि एक आप लेवल पे पहुंचो, जो बीपीएससी का लेवल है उस लेवल तक आप अकेले पहुंचो। मेरे को लगता है वहां पे ग्रोथ अकेले ही होता है, वहां तक
जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे, एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे, तो वहां पर आपको देखेंगे आपके साथ के और भी लोग हैं, उसके बाद उस पीयर ग्रुप को टच करो, उसके बाद उन लोगों से बात करो। मेरा भी वैसा ही था, मेरे साथ भी मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, वो भी साथ में, हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। उस वक्त हम लोगों ने पीयर ग्रुप में इस बात का ध्यान रखा प्रोफेशनलिज्म बहुत हाईएस्ट लेवल का हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पीयर ग्रुप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि पढ़ाई के अलावा बाकी सारी बातें हो जाती हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म हाईएस्ट लेवल पर रखो। अभिषेक ने जैसे बताया कि हाँ टारगेट मैच करना, ये भी बहुत हेल्प करता है जब आपके साथ कोई हो तैयारी कर रहा हो। और मैं तो बोलूंगा कोशिश करो अपोजिट जेंडर का हो, थोड़ा अलग से फायदा एडवांटेज रहता है। और उसके बाद ये पीयर ग्रुप का फायदा एक और होता है कि कई बार कुछ कुछ चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम को याद आता है, अरे यार ये बात हुई थी और ऐसा ही कुछ हुआ था वहां पर बात, तो आप देखेंगे ऑप्शन उसी के आसपास रहेंगे। या फिर अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप उसको मतलब तुरंत कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि मेंस में अभी टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, तो वो चीजें कुछ याद रहती है वही काम आती है। तो बस पीयर, और जहां तक सोशल लाइफ का आपने बताया, कुछ गंवाना पड़ेगा, सोशल लाइफ गंवाना पड़ेगा, भैया के शादी, दीदी की मंगनी, सब कुछ गंवाना पड़ेगा, देयर इज नो फ्री मील। विदिशा आप बताओ, पीयर ग्रुप सोशल लाइफ आपके लिए, आपने उसको किस तरह से मोल्ड किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान? देखिए पीयर ग्रुप होना अच्छी बात है, लेकिन फिर अच्छी बात है जैसे सबका एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा रहा है, मैंने भी ग्रुप में पढ़ाई की है और वो फ्रूटफुल साबित भी हुआ है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो हो तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई वैसा है जो आपके तरीके से पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि सब किसी का, हर इंसान का पर्सन टू पर्सन तरीका अलग होता है, वे अलग होता है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि जी हाँ तैयारी करने में मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेरे पॉइंट्स को मैं क्लियर रख पा रही हूँ या डिस्कशन प्रॉपर वे में आप कर पा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, आप जा सकते हैं उसके साथ। ये तीन तरह की जो पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे मिली है, ये व्यूअर्स के लिए तो बहुत काम आने वाली है। सो ओके, आप इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, पेरेंट्स का रोल आप लोग ये बताइए इस प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनका भी अपना एक लिमिटेशन है, क्योंकि सोसाइटी में रहने पे उनको डेली प्रेशराइज किया जाता है, आप एक बार दो बार फेल कर जाते हो तो आपसे ज्यादा जवाब आपके पापा उनको देना होता है कि क्यों नहीं हो रहा है आपके बच्चे का। तो मुझे लगता है कि वो खुद ये सब सस्टेन करके और आपको अगर एक अच्छा एनवायरमेंट दे रहे हैं, हाँ आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, फेल पास होता रहता है, ये पार्ट एंड पार्सल है किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन के लिए। तो पेरेंट्स का पॉजिटिव सोचना आपके लिए, और आपको फील करवाना होगा पेरेंट्स को कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जनरली देखा जाता है कि एक दो फेलियर्स के बाद पेरेंट्स को लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, आगे क्या होगा, जॉब प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पाएगा, या शादी का लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, तो पेरेंट्स का रोल होता है, कॉन्फिडेंस इंस्टिल करानी होगी पेरेंट्स में भी, पेरेंट्स में भी, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बताएं। मेरे को लगता है कि अगर एक साइकिल है तो एक चक्का आप खुद हैं तो दूसरा चक्का आपके पेरेंट्स हैं, दोनों जब साथ में चलेंगे तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो पेरेंट्स का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्ट्रगल की जहां तक बात होती है, आपका एक पर्सनल स्ट्रगल होता है जिसको आप जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हर एक सोसाइटी को हर बार बताने के लिए कि नहीं मेरे बच्चा काबिल है या मेरी बेटी काबिल है, वो अलग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग होना और पेरेंट्स का सपोर्ट होना, इससे बड़ा ब्लेसिंग इस एस्पिरेंट लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। विदिशा आप बताओ। जी, पेरेंट्स का रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप में कॉन्फिडेंस को जगाता है, पेरेंट्स का सपोर्ट। साथ ही साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक और चीज है कि उन्हें अपने सिचुएशंस को क्लियर रखना चाहिए उनके बच्चों के सामने, उनका जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, वो क्लियरली उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पेरेंट्स को समझें, अपने पेरेंट्स के सिचुएशन को समझें, तो इससे आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है। और फिर अगर पेरेंट्स का फेथ आप में है तो ऑब्वियसली वो आपका अच्छा ही रहेगा। आप अगर एक एग्जाम नहीं निकालते, कोई और एग्जाम, कोई और नहीं तो कुछ और सही। एक स्पेशल क्वेश्चन है विदिशा आपसे, आपको पता है लड़कियों पे एक थोड़ा एडिशनल प्रेशर आ जाता है जो अभिषेक ने भी कहा, शादी का, और वो ना अर्ली एज में आ जाता है, तो उस पे आपको क्या लगता है कि ये एक हर्डल नहीं हो जाता प्रिपरेशन के लिए? आपने भी दिया ये एग्जाम, आप बताएं। जी, लकीली मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ ये हर्डल है। हमारे साथ भी कितनी ही मतलब फ्रेंड्स थी जिनकी अर्ली मैरिज हो गई, तो पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है और इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी लड़की है, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अगर लड़की की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो उसे इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक अलग लेवल ऑफ स्टीम प्रोवाइड करता है,
तो वो इम्पोर्टेंट है और उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है हम शादी कर दे रहे हैं तो तुम्हारे इन लॉज बोल रहे हैं कि वो तुम्हें पढ़ने देंगे, लेकिन शादी के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उससे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद एडुकेट करें अपनी गर्ल्स को और उसके बाद फिर मैरिज की तरफ जाएं। शादी की एज जा रही है या फिर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो ये सब चीजों से मुझे लगता है थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं तो इवेंचुअली आपका सब कुछ सही रहेगा और आपको मिल ही जाएंगे प्रॉस्पेक्ट्स। ओके, लेट्स मूव टू बीपीएससी अगेन। इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी पे आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। ज्योग्राफी का इक्वेशन आया था मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार करके, लास्ट टाइम भी आया था, रिपीट हुआ था। एग्जैक्टली सेम लाइन्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए, तो उसको ऐसे टैकल करना से ज्यादा बेटर है कि आपने वो लाइन पहले से पढ़ रखी हो और वो तभी पॉसिबल है जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। नवनीत आप बताओ। यहाँ पे अभिषेक के पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगा। कई लोग इस पर ऐसे बोलते हैं कि उसका समरी नहीं पढ़ सकते हम लोग, तो बीपीएससी ने इस बार क्या किया था, एनसीईआरटी के बुक का एक बॉक्स आते हैं बीच में कहीं, उस बॉक्स से क्वेश्चन उठा दिया था। वो बॉक्स आपको किसी समरी में नहीं मिलेगा, वो एनसीईआरटी में ही मिलेगा। तो आप प्लीज एनसीईआरटी को थोड़ा अभी सीरियसली लें, नहीं तो बीपीएससी आपको सीरियसली नहीं लेगा। विदिशा जी, पहले एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करके चला जा सकता था, लेकिन अब वो नेसेसिटी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। उसके एक्टिविटीज, जैसा कि बताया गया, उसके एक्टिविटीज है, एग्जाम्पल्स है, उसे आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका वो पढ़ा हुआ रहेगा, तो जरूरी है बिल्कुल। ओके, तो ये तो इससे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, आई टोटली अग्री विथ यू ऑल। दूसरी चीज आती है कि मेंटोर का इंपॉर्टेंस प्रिपरेशन में कितना है आपके हिसाब से। मेंटोर कुड बी एनीबॉडी, यू नो, योर फ्रेंड, योर फैमिली, अ टीचर पर्सन। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि किसको कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए। अब कोई दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़ रहा है तो उनके मेंटर्स अलग होंगे, बट अगर कोई अपने गांव से पढ़ रहा है, जैसे मैं अपने गांव में रह के पढ़ता था, तो मेरे मेंटर या तो मेरे दोस्त होंगे, या जैसे मैं यहाँ पे बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला रोहित सर का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे मेंटर हैं बीपीएससी के लिए। तो मैं उनसे पर्सनल सजेशंस लेता रहता था कि कैसे पढ़ना है, और उनके वीडियोज यूट्यूब पर वैसे भी पहले से है जो बिहार स्पेशल को कवर करता है। मैं उनके वीडियोज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कभी ऐसे कंडीशन में आ जाओ कि आपको सेल्फ डाउट हो जाए, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आपका हो जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनका बहुत बेटर है सब कुछ, बट फाइनल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो एक ऐसा कोई होना चाहिए जो आपको गिरते हुए स्थिति में भी उठा दे, वापस से पीक पे रखे कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो एक मेंटोर का होना जरूरी है। जहाँ तक मेंटोरशिप की बात है, मतलब मेंटोर को मैं मानता हूँ एक बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी, उसका होना बहुत जरूरी है। उसके दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आप में जो सेल्फ बिलीफ जब कभी डाउन होता है उसको वो लोग हमेशा ऊपर करते हैं। दूसरा, अगर आप कई बार क्या होता है कि जब कभी डिप्रेस्ड हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, तो आप डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हो, वो आप कुछ डायरेक्शन पे मेंटेन करते हैं, आप उसी पर रहो, परसेवरेंस को आपको बढ़ाते हैं। और तीसरा, सिंस वो आपसे इस फील्ड में जुड़े हुए हैं पढ़ाई के भी, तो कई बार कुछ आपके कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो मेंटोरशिप तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि बड़े बड़े शहरों में या फिर जो कोचिंग हब्स हैं वहां नहीं रह रहे, उनके लिए ज्यादा जरूरी है अभी। जी, मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो भी मेंटोर होना चाहिए वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, क्योंकि आपके मेंटोर्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बेस्ट क्रिटिक्स भी होते हैं। आप अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आपके मेंटोर्स फिर भी आपसे बेहतरी की उम्मीद करते हैं, तो फिर उस वे में वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट भी आपको प्रेजेंट करके देते हैं कि जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी आप उसको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मेंटोरशिप बिल्कुल अगर आपको प्रोवाइड हो रही है तो आप अच्छे जगह से मेंटोरशिप लें और उस हिसाब से अपने काम को करें। ऑल राइट, अभी 69th बीपीएससी जैसा आप लोगों ने ही मेंशन किया, बहुत ही पैटर्न डिफरेंट था, काइंड ऑफ अराउंड यूपीएससी बट नॉट एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने दिया ही है ये पेपर, तो आप लोगों ने व्हाट डिफरेंट यू ऑल डिड, कि आप लोगों ने कैसा अलग किया कि आप लोग आज उस लिस्ट में हो, आप लोग इंटरव्यू भी दे रहे हो और 69th भी आपने दिया है, तो वो डिफरेंट चीज जो आपने की, जो नब्स पकड़ा, वो थोड़ा बताए व्यूअर्स को। एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना होगा आपको, जैसा कि नवनीत ने पहले बताया था कि लेंदी आ रहे क्वेश्चंस, अभिषेक ने भी बताया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस एक एक पेज के थे, हाफ पेज के, तो जिस बंदे ने पहले से कभी इतना लंबा क्वेश्चन टैकल ही नहीं किया होगा वो तो उस दिन भी डर रहा होगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपने पहले से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस टैकल करके रखे हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में करा है उसको, तो आपको वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। और एलिमिनेशन वाला गेम अब बीपीएससी में आ रहा है, जो पहले सिर्फ यूपीएससी के लिए वैलिड था, अब यहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन था जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे एक एआई से रिलेटेड क्वेश्चन था,
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन से सॉल्व हो सकता था अगर जो एक दो भी जानते हैं, तो मैं मानना है कि एलिमिनेशन टेक्निक पे भी काम करना होगा बीपीएससी के अंदर। अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है बीपीएससी का, वो ऑलमोस्ट लेवल बीपीएससी कर दी, यूपीएससी का इन्होंने कर दिया अपना, तो इसके लिए सबसे पहला मैं वही बोलूंगा कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप टेस्ट देना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे याद है 67 का बीपीएससी मैंने दिया था, सवा घंटा मैंने पेपर कंप्लीट कर दिया था, और 69 का बीपीएससी दिया था, मुझे मतलब हाथ दुख गया था, मुझे लास्ट के एक सेकंड में पता चला कि हाँ बिल बच गया है, इतना लेंदी हो चुका है वो पेपर। तो उसके लिए सबसे पहला जैसा अभिषेक ने बताया कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी पड़ेगी, आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने का, और कुछ कुछ चीजें होता है क्या उस स्ट्रेस माहौल में आप सिली मिस्टेक बहुत करते हो, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो घर पे वो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, या किसी मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन करो, उसके थ्रू ही आप इससे सेल आउट कर सकते हो, और मोर प्रोबेबली आप पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो पीवाईक्यू बाइबल है, बिल्कुल वो बाइबल अभी भी। विदिशा, 69 बीपीएससी मैंने दिया नहीं है, तो एग्जैक्ट एनालिसिस तो मैं सारे क्वेश्चंस क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी इन्होंने बताया मुझे लगता है वही सही है, और मैंने भी इसी सब चीजों पे फोकस किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ना हर किसी का होता है, वो होता है बबल फिलिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर पूरा दे लो फिर बबल फिल करो, कुछ बोलते हैं साथ साथ बबल फिल करो, तो उस पर आप लोगों का क्यों व्यू पॉइंट है, क्योंकि यू गाइस आर डूइंग समथिंग राइट कि आप लोग आ रहे हो बार बार और यहाँ तक पहुंचे हो। मेरा मानना है कि इसमें भी सबके अपने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे मैं हमेशा पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद बबल करता था, जो कि मुझे लगता है गलत है, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चंस आप मिस कर देते हो लास्ट में, कि आप 67 की जगह 68 में बबल कर दिया, बी की जगह सी कर दिया। बट ये डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कैसा करके रखा है। अगर मैंने 30 मॉक ऐसे लगाए हैं जिसमें मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बबल किया हो, तो एक न्यूट्रल अप्रोच ये हो सकता है कि आप एक राउंड में जो भी आपके 100% श्योर वाले क्वेश्चन हैं, जब आपने उसको टिक कर लिया हो क्वेश्चन पेपर पे, तो आप उनको बबल कर लो, सेकेंड या थर्ड तक जाने की जरूरत पड़े तो उसको वापस बबल करो। इसमें थोड़ा तो इसपे कुछ हद तक अभिषेक से मैं सहमत हूँ कि आप जितने में मतलब एक पेपर सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। पेपर सॉल्विंग का एक तरीका ये होता है कि जो आपको लगता है 100% श्योर सही ही है उसको टिक कर तुरंत और उसको बबल कर दो। और दूसरा जो आपको कुछ क्वेश्चन 50-50 होता है कि आता है नहीं आता क्या पता सही हो जाए, उसको आप थोड़ा डाउटफुल रख सकते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं उनको तो बबल गलती से भी तुक्का मत मारो, क्योंकि तुक्का बहुत लंबा आपका चला जाएगा, रैंक भी या फिर आपका लिस्ट से बाहर भी कर सकता है। तो बबलिंग का ऑल्दो मैं भी इस तरीका भी सही का यूज करता हूँ, लेकिन मेरा उसमें मास्टरी हो चुका है कि मैं उसमें फीलिंग में गलत नहीं करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये लगता है मेरा तरीका अपनाना है, तो ये भी आप पता रखना कि बबल करने का स्पीड क्या है। जैसे मेरा स्पीड 5 मिनट 50 बबल करना है, तो पता होना चाहिए अपना। सब कुछ मास्टरी कर लो घर पे। एक होता है ना यू ब्लीड इन द जो भी क्या स्वेट लेस इन द बैटल, तो वैसा वाला आप करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। विदिशा, आपका क्या स्ट्रेटजी रही? जी, क्वेश्चंस बनाते वक्त आप क्वेश्चन को हमेशा राउंड्स में बनाइए। एक ही बार में आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हैं तो आप रुकिए मत, पहले आप श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं पहले आप उनको बना लीजिए, एक राउंड दो राउंड, जब आपको लग रहा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं तो आप मेरे हिसाब से आपको बबल कर लेना चाहिए, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस है, आपका टाइम भी जा रहा है, तो लास्ट में अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आप पे जेनरेट हो जा रहा है उस चक्कर में वही गलतियां ज्यादा हो सकती हैं और निगेटिव मार्किंग है, तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए जब आपके पास पहले ज्यादा वक्त है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम वो गलत ना हो तो आप उसी पैटर्न में करें मेरे हिसाब से। अच्छा, तो अगर हम बबलिंग की बात कर ही ली है हमने, तो साथ ही साथ तुक्के की बात उठी, तो ये बताए कुछ बच्चे नहीं होते अच्छे तुक्के में और कुछ होते हैं जिनके तुक्के भी लग जाते हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए, खुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि तुक्कों को किस तरह से, मतलब कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आ ही जाएंगे। मुझे तुक्के को मैं दो भाग में बांटना चाहूंगा, एक ब्लाइंड है बिल्कुल ब्लाइंड है, और एक एलिमिनेशन वाला है, लोग उसको भी तुक्का मान लेते हैं। जैसे अब मुझे दो ऑप्शंस के बारे में पता है कि ये बिल्कुल नहीं होना है, तो ये दो ऑप्शन मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है। तीसरा ऑप्शन चौथे ऑप्शन में दिक्कत है, वहां पे आपका लक फेवर कर सकता है कि हाँ मैंने डी सोचा और डी आंसर हो गया, एक ब्लाइंड गेस है। लेकिन अब बीपीएससी मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कोई जगह मिल पाएगी, क्योंकि जो ब्लाइंड गेस करते, क्योंकि पहले निगेटिव मार्किंग था और निगेटिव है वो भी 1/3 है, तो मुझे लगता है बचना चाहिए उससे, जो ना आए उसको मत करो। आप लोग बताएं आप लोग की क्या इस पे टेक है। मेरा तुक्का पे मेरा ये है, एक मेरा अपना कांसेप्ट है स्वीट स्पॉट का, और स्वीट स्पॉट क्या है कि आप मॉक के थ्रू पता करो कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप कट ऑफ पार कर जाते हो। अगर वो आपका सही चल रहा है तो तुक्के पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसमें जहां पे अभिषेक ने बताया कि एक होता है कि लॉजिकल गेस,
जिसपे आपका कुछ नॉलेज है कुछ नहीं है, और एक होता है ब्लाइंड गेस। ब्लाइंड गेस तो बिल्कुल ही मतलब बिग नो। लॉजिकल गेस में भी देखिए कि कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, जैसे चार में से दो ऑप्शन हटा देते 50-50 प्रोबेबिलिटी है, वो अच्छा प्रोबेबिलिटी माना जाता है। वहां तक आप खेलिए, 25% पे कम ही खेलिए और 0 पे तो बिल्कुल ही मत खेलिए। तो तुक्का मेरा यही टेक है। ओके विदिशा, आप कुछ ऐड करोगे? क्योंकि पे जैसा अभिषेक ने कहा है और नवनीतिका है, वही सेम मेरा भी रहेगा कि अगर बिल्कुल भी ब्लाइंड गेस है तो आप उससे बचिए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट पे भी आपको ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि उस चक्कर में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही ना ले रहे हैं, तो फिर वो चांसेस वैसे भी आपके रिड्यूस होते हैं। क्योंकि आप अगर ये क्वेश्चंस बना के भी आते हैं ना कि सपोज 70 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल करेक्ट है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन उसमें भी गलतियां निकलती हैं, तो उसको मतलब कि आपका हैम्पर ना हो जाए रिजल्ट और आप उस कॉन्फिडेंस में ना रहें, तो आप तुक्कों पे जा सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड गेस से बचे। ऑलराइट, अच्छा आप लोगों में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किसका था? मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। एक नोशन आजकल चलता है बच्चों में, एवरीबॉडी थिंक्स कि आईआईटी एनआईटी के बच्चे ही सीटें लेके जा रहे हैं, तो जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे दे फील लिटिल बिट लेट डाउन, ठीक है? तो उस पे आप लोगों का क्या टेक है? क्या इज इट ओनली अ प्रिविलेज्ड इंजीनियरिंग सर्विस या सब क्लियर कर सकते हैं? ऐसा आई डोंट थिंक सो। इंजीनियरिंग सर्विस या फिर इंजीनियरिंग के बच्चे इसलिए वो कर पा रहे हैं, वो डिसिप्लिन बस एक चाहिए और वो डिसिप्लिन सबके लिए कॉमन है। अब उस डिसिप्लिन को आप कब इनकलकेट कर रहे हो, ये एग्जाम सबके लिए ओपन है, तो बस उस डिसिप्लिन पे आप रहिए। दिन के 7-8 घंटे पढ़ने हैं, 1-2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मेंस का आंसर लिखने हैं, कोई भी कर सकता है। बस इस डिसिप्लिन को आप मेंटेन रखिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए बस। अभिषेक आप कुछ ऐड करोगे? हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा एक ग्रुप था, उसमें 6 लोग थे, उसमें से 2 ही इंजीनियर है, और उनका रिजल्ट, एक मेरा रिजल्ट अभी हुआ है, और जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनका पहले हो गया है 66 में, वो लोग पोस्टेड है एज ए RDO एज ए RO। तो ये नोशन तो बिल्कुल गलत है कि सिर्फ इंजीनियर्स का हो रहा है या उनको कुछ एडवांटेजेस मिल रहा है। एडवांटेज ये होता है ना कि आप इंजीनियरिंग वाले लाइफ में सेमेस्टर में बहुत सारे आंसर्स लिखते हो सेमेस्टर क्लियर करने के लिए, जो कुछ बच्चे बिहार बोर्ड में या जो बिहार से ग्रेजुएट करते हैं वो लैक करते हैं, तो इस वजह से उनको एक एड ऑन बेनिफिट है, जो आप अगर खुद आंसर राइटिंग करोगे तो वो आप भी पा जाओगे। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, IIT के ही होने चाहिए, NIT वाले ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे से पहले करके गए हैं वो बिल्कुल बिहार बोर्ड से ही थे और ग्रेजुएट हुए बिहार से ही और अभी RDO पोस्टेड, मतलब ग्रेजुएशन मेहनत ही होनी चाहिए। इसमें एक ऐड करना है, मेरा एक दोस्त है वो एक मतलब IIT से ही है, 68 का प्रीलिम दिया है, 69 का प्रीलिम दिया है, दोनों बार उसका नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि IIT के हो तो 100% गारंटी ही है। विदिशा आप तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, कभी ये थॉट आपके दिमाग में आया कि मैं नॉन इंजीनियरिंग की हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे आ रहे हैं, या फिर इसने कभी आपको अफेक्ट ही नहीं किया? नहीं, इसने मुझे कभी अफेक्ट नहीं किया। जब आपके बेसिक्स पे आपका काम हो रहा है और स्पेशली अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, तो फिर आपके पास तो एक स्पेशल एडवांटेज आपके पास है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इंजीनियरिंग वालों को तो वापस आके पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स से, आपको तो NCERT बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आगे तक पढ़ा हुआ है, तो आपके पास तो वो होल्ड है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो इन अ वे आपके पास ही एडवांटेज है और ज्यादा नंबर में सेलेक्ट हो रहे हो। उसका कारण ये भी है कि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा नंबर में हैं भी, तो वो तैयारी भी ज्यादा नंबर में कर रहे हैं, तो इसलिए उनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वो बेस है तो आप उस पर मेहनत कीजिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। धन्यवाद। अच्छा एक आपने बात करी थी अभिषेक कि कुछ बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, कुछ गाँव में पढ़ते, क्या ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है प्रिपरेशन को? मेरे हिसाब से नहीं करता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो बाहर पढ़ रहे हैं जिनको रिसोर्स बहुत अच्छा मिल पा रहा है, जैसे किसी कोचिंग इंडस्ट्री में जाके दिल्ली जाके पढ़ रहे हैं या पटना के पढ़ रहे हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं जिनके साथ आप पढ़ रहे हो तो आप गांव में रह के भी पढ़ सकते हो। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट खगड़िया है, उससे 22 किलोमीटर दूर एक अलौली रौन गांव है मेरा, जो कि पटना से 200 किलोमीटर अपार्ट है और दिल्ली से तो 1100। तो मेरा मानना है कि अगर ये मैटर कर रहा होता कि मैं गाँव से पढ़ के नहीं कर पा रहा होता, तो मेरा 67th मेंस और 68th मेंस लगातार कंप्यूटर नहीं क्लियर कर पाते। तो मैटर ये करता है कि आप कहाँ हो और किसके साथ पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो और उसको कैसे ग्रेस्प कर रहे हो, तो बाकी रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप कहाँ रह रहे हो। तो गांव वाले लोग भी एकदम कॉन्फिडेंट रहे कि कोई नीड नहीं है कि कहीं बाहर जाके पढ़े, अब तो ऑनलाइन इतना अवेलेबल है कि गांव में रह के आराम से पढ़ सकते हैं और सबके पास स्मार्टफोन है, तो बस दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि स्मार्टफोन होना चाहिए और आप कहीं भी रहें बस आप पढ़ते रहो। आप भी
जी स्मार्टफोन भी नेसेसिटी है और एनवायरनमेंट होना चाहिए. आप अगर गांव में हैं या फिर जगह तो आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए जहां पे आप पढ़ सकते हैं. इसके अलावा और कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस है, कोचिंग सब कुछ तो आपको मिल ही रहा है, तो ये कोई हर्डल नहीं है. नवनीत आप इसमें कुछ ऐड करोगे? मैं बोलूंगा गाँव शहर डिजिटल या फिर फिजिकल ये सब कुछ नहीं होता है, नीयत साफ रखें. आप कहीं भी हो आप नीयत साफ रहेगा आपको लोग भी साफ नीयत के मिल जाएंगे, और जब साफ नीयत के लोग मिलेंगे आपकी नीयत साफ रहेगी. बीपीएससी की नीयत बिल्कुल साफ है, वो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं. विदिशा एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे है जी. आपके 90 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपका एक्सपीरियंस क्या था, किस तरह का आपने आउटपुट दिया जो आपका इतना अच्छा फीड इतना अच्छा रिजल्ट के फॉर्म में ये फ्रुक्टिफाई हुआ? देखिए मॉक इंटरव्यूज की बात है, जो इंटरव्यू के मॉक की बात है, तो मैंने बहुत कम मॉक दिए थे और मेरा मॉक इंटरव्यू उतना सही मुझे नहीं लग रहा था सैटिस्फैक्ट्री, लेकिन जो मेरा मेन इंटरव्यू हुआ वो अच्छा रहा. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वैसे तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हर पर्सन पे डिपेंड कर रहा है. जरूरी नहीं है कि जो किसी एक के लिए वर्क कर रहा है वही सेम किसी और पे वर्क करे, लेकिन बेसिकली आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए. ऐसा मुझे लगा, आपसे कुछ पूछा जा रहा है आप नहीं जान रहे हैं तो आप उसमें बिना कुछ सोचे आराम से सॉरी बोल सकते हैं, उससे आपका इमेज खराब नहीं होगा. लेकिन अगर आप वाइल्ड गेस ले रहे हैं और आप कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और रॉन्ग है, तो वहां पे हैम्पर होने की सिचुएशन है कि आपका वहां पे थोड़ा इमेज हैम्पर हो जाएगा. आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मेरा जैसे कि मुझे भी एक दो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन शुरू में ही गलत आंसर दे दिया हर बारी में, तो फिर वो मुझे लग रहा था कि इसके कारण शायद मेरे मार्क्स हैम्पर हो जाएंगे. लेकिन आपको काम बनाए रखना है, वो प्रेशर टेस्ट है, आपका गलत हो रहा है, आप उस सिचुएशन में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप कैसे कमबैक करते हैं, वो आपको कितना इम्पैक्ट करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपके नॉलेज का नहीं. आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज है, तो अब वही बात है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, और खुद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा आप काम और कंपोजर बनाए रखिए, ऑनेस्ट रहिए अपने ओपिनियंस की तरफ. तो उसके अलावा और कुछ खास रिक्वायरमेंट्स ऐसे नहीं है, आपका भी अच्छा स्कोर आएगा. अच्छा, जैसा विदिशा आपने बोला कॉन्फिडेंस के बारे में, कॉन्फिडेंस कभी कभी शैटर हो जाता है अगर आपकी प्रीलिम्स ना क्लियर हो, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स ही बहुत डाइसी हो गया है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से वापस से उठा जाए? सबसे पहले तो आप अपने मिस्टेक्स को देखिए, एनालाइज कीजिए. मिस्टेक्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस पोर्शन में गलती कर रहे हैं, कौन सा पार्ट है जिसमें आपका बार बार वही पार्ट अगर आपका कुछ है वैसा कि उसमें गलती हो रही है, तो आप उस पर काम कीजिए. सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस कीजिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स के कारण बहुत बार आपका नेगेटिव ज्यादा चला जाता है, तो आप उस पर वर्क कीजिए और फिर से अपने आप को बिल्ड करने में लग जाइए. नवनीत आपका कॉन्फिडेंस के लिए कुछ? देखिए कॉन्फिडेंस दो तरीके से आता है, पहला नॉलेज से और दूसरा डेली रूटीन से. मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, में बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ था, यू डोंट अचीव अ सक्सेस यू फॉल फॉर योर हैबिट्स. तो आप अपने हैबिट्स बहुत अच्छे रखो, दिनचर्या जो भी है आप अच्छे रखोगे, शाम में सोते समय आपको विनर वाली फीलिंग आएगी, और जब वो विनर वाली फीलिंग आपने मेंटेन की, मैं नहीं बोला सारा दिन मेंटेन करा, लेकिन 6 दिन मेंटेन की, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नॉलेज आपका बढ़ता रहेगा, और यही चीज आपको लास्ट में बीपीएससी में या फिर कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम में आपको दिखेगी. अभिषेक कॉन्फिडेंस हाई रखने का, जैसा नवनीत ने बताया कि नॉलेज, अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा आपको और वो बढ़ता जाएगा जिस तरह से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी. जैसे मान लेते हैं अभी मैं मेंस के लिए भी पढ़ रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, और बाकी क्राउड जो है वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही होगी, तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन भी होगा कि मैं मेंस पहले से पढ़ रहा हूँ, ना कि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, तो कॉन्फिडेंस वहाँ से आ रहा है. दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ एक हॉबी अभी से डेवलप कर लो, ताकि इंटरव्यू में फेक ना करना पड़े या कुछ नया सर्च ना करना पड़े नेट पे कि क्या हॉबीज हैं जो मैं रख लूँ तो मुझे कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो जैसे मेरा हॉबी था HIIT, मतलब इंटरवल ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी, तो मैं वो करता था. उससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर कोई एक हॉबी जो आप रोज परफॉर्म कर रहे हो या वर्कआउट ही मान लेते हैं वो कर रहे हो, उससे आपको एक ऐसा टारगेट है जो कि आप डेली कर पा रहे हो, और उसको करने के बाद, उसको एकॉम्प्लिश करने के बाद आप एक ऐसे मेंटल स्टेट में होंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपने खुद चूज किया है बीपीएससी भी और अपना हॉबी भी, तो दोनों को बैलेंस करके चलो और इंटरव्यू तक आने के बाद दिक्कत. एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है तो उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, वो है कंसिस्टेंसी.
आप लगातार कंसिस्टेंट रहें, आप पढ़ाई करते रहें, आप भले उस सब्जेक्ट का मतलब किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट करें या फिर आपको नहीं कुछ वक्त मन है तो आप किसी और ही रिक्रिएशन की कुछ चीजें पढ़ लें, लेकिन अपना हैबिट बनाए रखें, वो भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। तो एक ये पॉइंट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि प्री और मेन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो उसकी बैलेंस आप लोग किस तरह से करते हैं? प्री की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है उसका तरीका, तो उसको बैलेंस किस तरह से आपने किया? विदिशा आप बोल। मेरे केस में तो अब तक प्री से पहले मैंने प्री ही पढ़ा है और फिर मेंस की तैयारी की है, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है और जो लोग भी 70th या फिर फर्दर बीपीएससी देंगे तो अब मेंस की तैयारी प्री के साथ थोड़ा शुरुआत में कर सकते हैं। आप ऐसे जैसे ऐसे आप प्रिपेयर कर लीजिए, पहले से कुछ जो स्टैटिक पोर्शंस हैं आपके वो आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स करीब आता है तो उस वक्त आप प्रीलिम्स पे पूरी तरह फोकस्ड हो जाए। और सिर्फ फैक्ट्स है, प्रीलिम्स इज मोर अबाउट फैक्ट्स, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी है, साथ में एनालिसिस है, तो आप उस पे जाएं। फिर जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर आप मॉक जो भी आपके हैं उसको दीजिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, करंट इवेंट्स और जो भी है फिर उस पे जाइए। नवनीत आप कुछ ऐड करना चाहोगे? बस इसमें ये कहना चाहूंगा कि पहले आप बेसिक रीडिंग कर लीजिए सारी किताबों का, उसके बाद आप मेंस के लिए मैं बोलूंगा, मतलब मैं बोलता हूँ एक नदी है उसके दो किनारे हैं, तो एक है सिलेबस दूसरा पीवाईक्यू, अगर ये दोनों किनारे आपके सही है तो आपकी नदी सही बह रही है, आपका डायरेक्शन सही चल रहा है। इन दोनों को साथ में पकड़िए और देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के नए क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, तो अब देखिए कि बीपीएससी ने उससे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो दो तीन पूछे होंगे, आप खुद से थोड़ा गेस कीजिए कि और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लोगे तो आपके नोट्स उसी हिसाब से बनेंगे और वो नोट्स आप बना के रखे रहो और बना के अगर हो सके तो डेली आंसर राइटिंग करो या फिर किसी कोचिंग का ज्वाइन करना कोचिंग का ज्वाइन करो, तो इससे आपका मेंस तैयार होता रहेगा डेली। प्रीलिम्स की जहां तक बात है, मैं विदिशा से सहमत हूं कि हाँ इट्स मोर अबाउट फैक्ट्स, तो उसके लिए जो मैगजीन्स होती हैं उसके थ्रू आप तैयार रखो और स्टैटिक पोर्शन जो आपका है करंट को मैंने बोला मैगजीन के थ्रू, स्टैटिक पोर्शन के लिए तो आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभिषेक आप कुछ वैल्यू एडिशन करोगे? हाँ थोड़ा सा है, बस बीपीएससी पहले जब मेंस कंडक्ट करती थी तो कुछ क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आप गेस कर सकते थे, अब थोड़ा कम हो गया, वो थोड़ा क्या बहुत कम हो गया और पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो आंसर राइटिंग आपको करते रहना चाहिए। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैंने यहाँ से किया था कि आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो या हिंदी या इंग्लिश किसी से भी, तो उस एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, तो एक नोट फॉर्म का नोट भी बन जाएगा आपका और आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा, और वो अगर आपने प्रीलिम्स के साथ साथ कंटिन्यू कर लिया तो मेंस के टाइम पे आपको कोई मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास खुद का मटेरियल होगा जिसको आप प्रेजेंट करके बेटर मार्क स्कोर कर पाओगे। वेल इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑल, लेकिन आप लोग जाने से पहले एक एक लाइन की ना मैसेज हमारे जो एस्पिरेंट्स और व्यूअर देख रहे हैं उनको दे दें और उनके पेरेंट्स को भी। मैं ज्यादा पेरेंट्स के लिए मैसेज डालना चाहूंगा कि आप अपने कैंडिडेट मतलब अपने बच्चे के मेंटल स्टेटस को समझें, उनको जाने, अगर उन्होंने बीपीएससी को चूज किया है यूपीएससी को चूज किया है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो के चूज किया उन्होंने, और आप ही हैं एक ऐसे जो उनको उस कॉन्फिडेंस पे बने रहने का अधिकार देते हैं, उनको सर्वाइव करने का उस कंडीशन में जब उनका कॉन्फिडेंस कम होता है और जब आस पड़ोस वाले उनको परेशान करते हैं या आपको परेशान करते हैं। बस एक बात याद रखना है कि अगर 2-3 साल लग भी रहा है टाइम, जिस दिन इसका रिजल्ट होगा आपके बच्चे का रिजल्ट होगा उस दिन आपके लिए उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी और सारा समस्या उसी दिन खत्म हो जाए, तो पेशेंस रखना। मेरा बस ये है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस पहला लाइन यही है, देयर इज नो फ्री मील, फ्री का को कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में, तो आप इस बात को ध्यान रखें। और पेरेंट्स के लिए बस ये है कि भरोसा रखें अपने बच्चों पर, अगर वो सोचे हैं कुछ करने का तो आप उनको सपोर्ट सिस्टम बने, उस सिस्टम का पार्ट बने और जितना हो सके उनसे रोज बात जरूर करें, उनका दिनचर्या कैसी चल रही है, वो क्या कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि दिन में एक बार बात करने से क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ एक स्टूडेंट के लिए आप दिन में एक बार बात कर रहे हो उसके लिए वो दिन बन गया। जी अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो स्पेसिफिकली गर्ल पेरेंट्स, गर्ल के जो पेरेंट्स हैं उनको मेरा यही कहना है कि आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आप अपॉर्चुनिटीज दें, अभी जितना भी मौके मिले हैं तो बहुत कम टाइम में लड़कियों ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, तो आप शादी की या किसी तरीके के प्रेशर अभी बिल्ड ना करें, उन्हें वक्त दें इस चीज के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए ये कहना है कि आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको विश्वास है
तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। मेहनत जो है वो कभी भी बर्बाद नहीं होती है, और आपको आपका कुछ टाइम लग सकता है, किन्हीं का जल्दी हो जाता है, किन्हीं को वक्त लगता है, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस लूज ना करें, आप वेट करें। अच्छा, एंड करने से पहले, आप लोग के लाइफ में जिसने भी प्रिपरेशन के दौरान या ऐसे भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, किसी एक इंसान को अगर आपको स्पेशल मैसेज देना चाहते हो, थैंक यू बोलना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग टाइम निकालें। फैमिली मेंबर्स का बहुत सपोर्ट होता है, बट उसमें मेरे दादाजी 85 प्लस है, वो रिटायर्ड BDO है, उनके गाइडेंस की वजह से ही मैं BPSC और UPSC की ओर ओरिएंट हो पाया। तो मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे और बताए कि रियल लाइफ, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई है कि अगर आज तुम एक ऑफिसर बन गए हो तो ये सक्सेस नहीं है, लाइफ में कैसे लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करोगे आगे जाके, वो सक्सेस है। तो उसमें बैलेंस बनाना जरूरी है, तो कंटिन्यू करो उसके साथ। नवनीत, आप किसको थैंक यू बोलना चाहोगे? मेरे लिए तो मेरी मम्मी ही थी जो बिल्कुल पिलर की तरह मतलब टिकी हुई थी, एक जगह मतलब दुनिया इधर सुधर हो जाए वो मेरे लिए टिकी हुई थी। उन्होंने बस एक लाइन बोला था मेरे को कि अपनी किस्मत अपने कलम से लिखना, हमारे नाम की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे नाम से हम जाने जाएं। विदिशा, आप? जी, मैं भी अपनी मम्मी को ही अपना जो भी है उसका क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस मेरी माँ ने मुझमें दिखाया उसके कारण मुझे भी कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं लगी। और जब ऐसे जब भी डाउट हुआ तो मैंने उनसे बात की, तो उनका हमेशा यही कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा, तुम्हारा अभी वक्त थोड़ा लेट है, अभी आने में वक्त है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो बहुत बड़ा बूस्टर है। तो मेरी माँ को ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स, एंड विल सी यू एज फ्यूचर ऑफिसर्स। थैंक यू।